आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। जाने माने फिल्म एक्टर नसीरुद्दीन शाह के देश में खुद के असुरक्षित महसूस करने के बयान पर जहां राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है, वहीं अब वह अपने इस बयान को लेकर कुछ फिल्मी एक्टर्स के भी निशाने पर आ गए हैं। अपने गृह जनपद रामपुर में पहुंची टीवी सीरियल एक्टर सोनी अली ने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के इस बयान को सरासर गलत बताया है। सीधी टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाले सीरियल रक्षा स्वाभिमान की के अलावा चंद्रकांता, नुक्कड़, एक चौपाल जैसे नामचीन सीरियल में काम कर चुकी एक्टर सोमी अली ने फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह द्वारा बुलंदशहर की घटना के बाद स्वयं को असुरक्षित महसूस किए जाने के बयान पर कहा है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, सब कुछ बोलने की प्रवृत्ति फ्री है, लेकिन जब आप एक्टर होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं, तो लोग आपको फॉलो करते ही हैं, और जब आप कुछ भी ऐसा बोलेंगे तो गलत आपको फॉलो ही करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि सब हम सब भारत में ही रहते हैं और आप इतने बड़े फैन बन चुके हैं, लोग आपको जानते भी हैं, आप बोलेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे, फिर विवाद होना तो बनता ही है। लेकिन हम भी भारत में रह रहे हैं, हमें तो अभी भी कुछ ऐसा नहीं लगा। मुझे लगता है इनका ये बयान गलत है। भारत एक स्वतंत्र देश है, सब कुछ बोलने के लिए फ्री है, लेकिन जब आप एक एक्टर होते हैं, आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो लोग आपको फॉलो करते हैं, आप कुछ भी ऐसा बोलोगे तो लोग उसको फॉलो करेंगे। तो मुझे लगता है उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि हम सभी भारत में रहते हैं और आप इतना बड़ा फ्रेम बन चुके हैं, लोग आपको जानते हैं, आप बोलोगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे, फिर विवाद तो होना बनता ही है। लेकिन हम भी भारत में रह रहे हैं, हमें तो आज तक ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे लगता है उनका ये बयान गलत है।